हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल हिंदी टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग अगर यूट्यूब यूजर हो या यूट्यूब पर चैनल बना रहे हो या पुराने चैनल, आपका खुद का चैनल है, क्योंकि चैनल बनाना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। तो और चैनल को किस तरह से मेंटेन करना है, तो इस बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो उसके लिए तो दोस्तों, मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं YouTube को लेकर के। ये वीडियो न्यू यूजर और ओल्ड यूजर दोनों के लिए, क्योंकि चैनल बनाना आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई बना सकता है, हर कोई बच्चा भी बना सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है चैनल को मेंटेन करना, कि हम किस तरह से मेंटेन करें उस चैनल को, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो और हम आगे बढ़ जाए। और काफ़ी लोग इसमें सक्सेस भी हो जाते हैं, हमसे भी आगे निकल जाते हैं। मैंने भी कई बार नोटिस किया है कि मेरे बाद भी काफ़ी चैनल बने और वो लोग आगे पहुंच गए और मैं आगे नहीं पहुंच पाया, या मेरे से जो लोग आगे पहुंच चुके थे और वो लोग भी अब डाउन होने की स्थिति पे आ गए। तो दोस्तों, उसकी वजह होती है, सबसे पहली जो मेन वजह होती है ना, आप इस पॉइंट को नोटिस करो, आपको यूजर के साथ में, मतलब आप लोगों को क्या दे रहे हो। लोगों के साथ में आपका पर्सनल रिलेशन होना बहुत जरूरी है, इस बात को सब लोग नोटिस कर लो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये बात नोटिस की है कि आपका और यूजर के साथ में रिलेशन होना बहुत जरूरी है। मैं किसी पर्सनल चैनल का नाम नहीं लूंगा, मैंने देखा है काफी चैनल आगे बढ़ गए और वो लोग अब बिल्कुल डाउन होने की स्थिति पे आ गए। वो आगे तो इस वजह से बढ़ पाए क्योंकि वो दिन के 3 से 4 वीडियो अपलोड कर लेते थे, लेकिन वो निरर्थक, जिसका कोई सार थी नहीं, वो वीडियो ऐसे वीडियो अपलोड कर लेते थे तो उन वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलता था। और इसी वजह से, मतलब यूजर उनके सब्सक्राइबर है, बेल आइकन ऑन है, लोगों के पास नोटिफिकेशन भी जाते हैं, लेकिन लोग देखते हैं, अरे इसका आया है, कुछ नहीं, ये बकवास कर दिया, इसने तो कोई फेक डाला हुआ यूं ही। तो इसी वजह से उनके चैनल अभी बिल्कुल डाउन होने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि आपका और यूजर के बीच में एक पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप कुछ यूजर को दे रहे हो तो यूजर से आपकी जान पहचान भी होनी चाहिए। मतलब जान पहचान का मतलब ये हुआ कि यूजर को ये लगना चाहिए कि मुझे यहाँ से कुछ नया मिलेगा, तो ही यूजर आपका टिक पाएगा, नहीं तो नहीं टिक पाएगा। आप लाख कोशिश कर लो, आप दिन के 5 नहीं 10 वीडियो अपलोड कर लो, क्योंकि आजकल तो जियो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी नेट बहुत सस्ता हो रखा है। तो दोस्तों, ये बात मैंने भी नोटिस की है, क्योंकि लास्ट मंथ जो मैं वीडियो दे रहा था, काफ़ी वीडियो दे रहा था बिटकॉइन साइडों को लेकर के, तो दोस्तों उसमें से काफ़ी साइड आई और बंद हो गई। तो अब इसमें, जब वो साइड आई थी उस वक्त पेमेंट दे रही थी, मैंने उसका प्रूफ भी दिया, लेकिन कुछ लोग अब भी उस वीडियो को दे रहे हैं। तो अब काफ़ी लोग बोलते हैं, सर आप उनका वीडियो डिलीट कर दो ना, तो आप कम से कम उस वीडियो पे जाओ, और आपको वहाँ ज्वाइनिंग लिंक मिल रहा है क्या डिस्क्रिप्शन में? वीडियो मैं क्यों डिलीट करूँगा? वीडियो मैं यूट्यूब पर कमाने के लिए आया हूँ ना, हर कोई कमाने के लिए आता है, तो मैं वो वीडियो तो डिलीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन मैंने चेंज कर दिया ना, मैंने वहाँ से ज्वाइनिंग लिंक वगैरह हटा दिया। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लोग, मतलब साइड पर अपना वीडियो डालने के बाद भूल जाते हैं कि मैंने वीडियो में क्या डाला था, क्या करना है, अभी यूजर को अपडेट देना है, क्या नहीं देना है, वो चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो उन लोगों के चैनल फिर आगे नहीं बढ़ पाते, वो चाहे कुछ भी कर ले, क्यों बढ़ जाते हैं आगे, उनके वीडियो पर व्यू भी आते हैं, लेकिन नीचे लाइक की जगह डिसलाइक ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में दें और अपने चैनल को अच्छे से मेंटेन करें। दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि लास्ट, अभी मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि आपको बड़ा बड़ा ज्ञान की बातें बताऊँ, लेकिन मैंने खुद ने इस बात को नोटिस किया है और इस बात को देखा है, क्योंकि लास्ट महीने जो मेरे 4,000 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके थे, वही मैं इस महीने देख रहा हूँ कि माइनस में चल रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि मैं यूजर के साथ में अपना जो आपसी रिश्ता होता है वो बना नहीं पाता। ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ में आ रही है, और काफ़ी लोगों के चैनल तो आए और गए। लोग वो कहते हैं ना कि शुरुआत में आते हैं तब एकदम से उछाल लेते हैं, बहुत बड़ी उछाल ले लेते हैं, और बाद में गिरते हैं तो बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जाते हैं।
ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी आ रही है, जब मैंने दो तीन ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब कम से कम 2 लाख 3 लाख उनके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, जब मैंने उनसे बात की मैंने कहा यार सर क्या बात है सर, आपके तो यार 5 लाख सब्सक्राइबर है और आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपके वीडियो के ऊपर तो मैं 5 हज़ार भी व्यू नहीं आते, क्या बात है। तो क्या यार हाँ यूजर है, ऑनलाइन रहते हैं कभी ऑफलाइन रहते हैं, जब ऑनलाइन आते हैं तब देख लेते हैं, क्योंकि वो लोग वीडियो डालने से पहले ये देखते ही नहीं है, उनको अब ये लगता है कि यार मेरे 5 लाख हो गए अब तो वीडियो भी व्यू तो आएंगे आएंगे, लोग 5 लाख लोगों ने नोटिफिकेशन आपका ऑन करके रखा है लेकिन आपका आता है ना वीडियो तो वो नहीं देखते, वो कहते यार यार इसने कुछ नहीं छोड़ो यूं डाला होगा। और दूसरी चीज होती है आप मतलब व्यूवर्स जो आपके व्यूवर्स है सब्सक्राइबर्स है आपके यूजर है उनको आप कितना अच्छे से समझा पाते हो, ये बात भी। और तीसरी बात होती अपडेट की, तो काफी लोग मतलब आपको ये जरूरी नहीं है आप दिन के 3 वीडियो ही डालो या 4 वीडियो देना जरूरी है, आप यूजर को एक वीडियो भी अगर दे पाते हो ना अच्छा वीडियो दो तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा, क्योंकि आपका एक वीडियो आएगा ना एक वीडियो हर कोई देख लेगा, आप दिन में 10 वीडियो डालते जाओगे यूजर थोड़ी देखेगा 10 वीडियो, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपना वीडियो ही देखता है। हाँ दिन के अगर आप आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग है बहुत ज्यादा माइंड है तो दोस्तों आप 2 वीडियो दे दो, एक मॉर्निंग में दो एक शाम को दे दो, और उस वीडियो में आप वो चीज बताओ जो सबसे हटके हो, आप वो मत देखोगे कि किसी और का वीडियो देख लिया उसका कॉपी कर लिया और तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूजर तो वही है वो देख लेते अरे यार ये तो इस भाई ने अपलोड किया था और अब ये कर रहा है तो इसके पास क्या है, कुछ नहीं। आप दो क्वालिटी दो लोगों को, आप उसमें एक नई बात दो, आप मैं कह रहा हूं आप किसी और का वीडियो भी देख सकते हो ना, तो आप देखो उस वीडियो में क्या कमी थी कि मैं उस चीज को परफेक्ट करके दूंगा तभी आपका चैनल आगे बढ़ेगा और आप भी अर्निंग कर पाओगे। दोस्तों आज संडे का टाइम है, आज संडे संडे के दिन आप 2 वीडियो अपलोड करो या 3 करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संडे का दिन सब लोग लगभग फ्री होते हैं और इस दिन सबसे बेस्ट दिन होता है ये, क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा व्यू आते हैं। अब दोस्तों आज संडे के दिन मैं थोड़ी बहुत कमेंट के बारे में भी बात कर लेता हूँ, तो काफी लोगों के कमेंट अच्छे आ रहे हैं मैंने देखा है, और कुछ लोग हेटर्स हैं वो कमेंट गलत करते, तो ये वजह भी होती है कि काफी लोगों के कमेंट्स पढ़ने की वजह से लोग निराश हो जाते हैं कि यार मेरे तो नहीं हो रहा है क्या करूं यार यार वो लोग भी गलत कमेंट करते। तो दोस्तों अगर आपको यूट्यूब पर रहना है टिकना है तो आप आपके जो हिटर्स है ना जहाँ अच्छा ही होती है वहाँ बुराई भी होती है दोस्तों, ये पक्का है। अगर आपके 80% कमेंट अच्छे आ रहे हैं और 20% गलत आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन 20% लोगों ने ये दिमाग में लेके रखा है कि आप यार इसको तो बस यूं बस गिराने की, क्योंकि ये इंडिया है सबसे बड़ी चीज है, यहाँ तो अब क्या कहना इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग भी समझदार हो, क्यों यहाँ का दूसरी चीज होती है ईशिया, ईशिया करने वाले भी है हर तरह के लोग हैं, तो कमेंट्स पर तो आप ध्यान मत दो, जो आपके लिए अच्छे कमेंट करते हैं आप आपको 10 कमेंट आए 10 कमेंट में से किसी 8 लोगों ने अच्छे कमेंट किए और 2 लोगों ने फालतू कमेंट कर दिए, तो आप उस 2 फालतू के कमेंट्स को पर ध्यान ही मत दो, अच्छे कमेंट किए ना आप उनसे थोड़ी हिम्मत लो ताकत लो अपने आप को मतलब वापस रिफ्रेश करो कि नहीं यार ये 8 लोगों ने बोला है अच्छा मैं कर सकता हूँ, तभी दोस्तों आप आगे बढ़ोगे। और जो लोग न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कंटिन्यू लगे रहें काम करते रहें और लोगों को नई ट्रिक्स और आप अपना एक पर्सनल रिलेशन बना के रखें, और मैं उन लोगों को भी ये बोलूँगा जो लोग वीडियो में बिल्कुल सामने ही नहीं आते या कभी उनके मतलब चैनल है तो उन लोगों को कभी अपने अपना फेस दिखाया नहीं, तो यूजर आप पर कब भरोसा करेगा, जब आप कम से कम सामने आकर उनसे बात करोगे ना तभी यूजर आपसे बात करेगा, उनसे अपना पर्सनल रिश्ता रखो रिलेशन रखो दोस्तों, तो इस बात को सब लोग ध्यान में दें और आप सब लोग आगे बढ़ें, और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं आप लोग मेरा वीडियो देखते हो
उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आप सबका, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो उसी वजह से मुझे भी हिम्मत आती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दूँ और अच्छी से अच्छी अर्निंग की ट्रिक्स बता सकूँ बिटकॉइन अर्न करने वालों को, अच्छी से अच्छी बिटकॉइन की साइट जो सबसे पहले मैं वीडियो आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों आपसे जो लोग मेरा वीडियो न्यू यूजर्स देख रहे हैं उन सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाइयों मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक डिसलाइक आपके सामने है, आपको मेरा वीडियो जैसा लगा आप लाइक या डिसलाइक पर क्लिक जरूर करें और नीचे एक रेड कलर का बटन दिया हुआ है जिस पर सब्सक्राइबर लिखा हुआ है तो दोस्तों उस पर क्लिक करके उसके पास में एक घंटे जैसा आइकॉन दिया हुआ है बेल आइकॉन को जरूर दबाएं